अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग MCQ'S। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस NTS के पास्ट इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये पास्ट पेपर सुपर MCQ'S सीरीज़ का पार्ट 7 है गाइज। तो सुपर MCQ'S सीरीज़ पार्ट 7, इससे पहले हमने 6 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था, आज पार्ट 7 को हम डिस्कस करेंगे। तो NTS के पास्ट इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन हैं गाइज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी NTS के प्रीवियस टेस्ट होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, उसमें पास्ट पेपर लाजमी, इनके क्वेश्चन जो होते हैं लाजमी रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल रजिस्टर। तो यहाँ पर एक आइडियल रजिस्टर की बात की जा रही है, इज डिटेक्टेड बाई रिलेशनशिप्स फेड बाई, तो R इज इक्वल टू द V इज इक्वल टू द आई आर। ओम ला गाइज, आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू द आई आर। ये इस तरह I की जो वैल्यू निकलती है, I इज इक्वल टू V बाई R। तो I की वैल्यू V बाई R, अब R को निकालो, R इज इक्वल टू द V बाई I। तो इस तरह के ये रिलेशन बनते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें गाइज हमारा जो राइट चॉइस बनती है ऑप्शन नंबर डी, ओम जिला, द बिहेवियर ऑफ द आइडियल रजिस्टर इंटेक्टेड बाई द रिलेशनशिप स्पेसिफाइड बाई द ओम जिला। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 58, प्रैक्टिकल रजिस्टर आल्सो हैव सम इंडक्टेंस इन डैश सम इंडक्टेंस इन कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की बात हो रही है यहाँ पर, द इफेक्ट विच अफेक्ट द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो इसमें जो रिलेशन का उसने बताया कि वोल्टेज एंड करंट को जो का रिलेशन होता है इसमें, तो उसमें कैपेसिटेंस है देख के क्यू इज इक्वल टू द सी इन टू वी। तो इस तरह का चार्ज के वैल्यू, चार्ज इज इक्वल टू आई बाई टी, इस तरह आ जाता है। तो फ्रेंड, इसमें जो राइट चॉइस बनेगी ऑप्शन नंबर ई जो है वो, ऑप्शन नंबर ई जो है वो राइट चॉइस है, कैपेसिटेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ऑप्शन नंबर ई इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 59, अ डैश इज कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाई द नॉन कंडक्टिव रीजन, फिर ये थर्मोस्टेट। तो उसमें दो कंडक्टर होते हैं, इस तरह गाइस बात कर रहा है वो, ये कंडक्टर वन है, कंडक्टर टू है, सेपरेटेड बाय द नॉन कंडक्टिंग स्पेस। जो हमारी बस गाइस स्पेस आ रही है, नॉन कंडक्टिंग स्पेस है बीच में। तो ये कौन सी, इसमें उसने कहा कि डैश कंसिस्ट ऑफ, कौन सी ये डिवाइस बनती है, ये थर्मोस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, थर्मल वाल्व, वोल्टेज सोर्स। तो इसमें गाइस राइट चॉइस है कैपेसिटर। कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय द नॉन कंडक्टिंग रीजन, ऑप्शन नंबर ई जो है वो हमारे पास वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 60, डैश इज द कंपोनेंट दैट कंडक्ट्स करंट इन वन डायरेक्शन ऑनली। और कौन सा कंपोनेंट है जो करंट को एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। तो फ्रेंड, इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ, डायोड, डायोड वो डिवाइस है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस को भी कहते हैं। तो ये करंट को एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन फॉरवर्ड बायस में वो करंट को वो फ्लो कराएगा, तो रिवर्स में वो ब्लॉक करेगा। तो आप ये फेरेड, इंसुलेटर, ट्रांजिस्टर। तो गाइस राइट चॉइस जो बनती है इसमें, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारी राइट चॉइस है, डायोड को हम यूज़ करके करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। इतनी इजी क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट इंडक्टेंस को मेयर करते हैं हम हेनरी में, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट चॉइस है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द इंडक्टेंस इज हेनरी, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट चॉइस। तो गाइस, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।